हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहते हैं। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम आज लेकर आए हैं अनदर इंटरेस्टिंग लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी फिल्म्स, जो बनी तो पाकिस्तान में ही लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की बेसिस पर इनको मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बैन कर दिया गया। आज हम आपसे इस सिलसिले का पार्ट वन शेयर कर रहे हैं। हमारी लिस्ट की पहली फिल्म है 1959 की जागो हुआ सवेरा। ये वो वाहिद फिल्म थी जिसका स्क्रीन प्ले और गाने फैज़ अहमद फैज़ ने लिखे थे। एजे कारदार की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की कहानी एक बंगाली नावल द बोटमैन ऑन द रिवर पद्मा से इंस्पायर थी। जागो हुआ सवेरा की कहानी ईस्ट पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश के एक गांव के मछेरों के गिर्द घूमती है, जो पॉलिटिकल इनजस्टिस और सेपरेशन का शिकार होते हैं। फिल्म के कॉन्टेंट की वजह से इसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। फिल्म पाकिस्तान में पाबंदी के बावजूद फर्स्ट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब हुई और इसने वहां गोल्ड मेडल जीता और 2016 में फिल्म को दोबारा रेस्टोर करके कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी पेश किया गया। जागो हुआ सवेरा नए रेस्टोर प्रिंट के साथ इस वक्त यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। जीबोन थे के नया 1970 की मशरकी पाकिस्तान हालिया बांग्लादेश की ये प्रोडक्शन एक पोलिटिकल सेटायर फिल्म थी, जिसकी कहानी बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट पर बेस थी। इस फिल्म में एक ऐसी फैमिली को सिंबलाइज किया गया है जिसमें घर की सरबराह खातून को मेटाफोरिकली डिक्टेटर अयूब खान के तौर पर दिखाया गया। इस फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जहीर रहमान थे। जहीर रहमान को यह क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म संगम, जो कि 1964 में बनाई थी, और पाकिस्तान की ही पहली सिनेमा स्कोप फिल्म माला बनाने का एजाज भी उनके पास है। जबकि इस जीबोन थे के नया फिल्म को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया, लेकिन आज के बांग्लादेश में यह फिल्म नेशनल सिनेमा की एक बड़ी एग्जाम्पल के तौर पर जानी जाती है। 1980 की फिल्म ब्लड ऑफ हुसैन। इस फिल्म की कहानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी से इंस्पायर थी। ब्लड ऑफ हुसैन को डायरेक्ट किया था फेमस पाकिस्तानी ब्रिटिश डायरेक्टर जमील देहलवी ने। इसको इत्तफाक कहें या कुछ और कि फिल्म की शूटिंग 5 जुलाई 1977 को ख़त्म हुई और उसी दिन पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ का निफाज कर दिया। 1980 में ब्लड ऑफ हुसैन को पाकिस्तान में रिलीज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन फिल्म के पॉलिटिकल कंटेंट की वजह से इसकी रिलीज पर आमिर जनरल जियाउल हक की इंतजामिया की तरफ से पाबंदी लगा दी गई। ये फिल्म भी यूट्यूब पर इंग्लिश और उर्दू जबानों में अवेलेबल है। इट्स हाईली रिकमेंडेड। इस लिस्ट के हवाले से पार्ट टू भी हम आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। आपको हमारी ये लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के साथ।